दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आपका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का और भी बहुत सारे अकाउंट सारे के सारे हैक हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जैसे आपके काम है ना, हैक तो भैया होगा आपका अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप पासवर्ड इतनी आसान रखते हो। पासवर्ड मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे भी लोग रख लेते हैं, ABCDE1234512345@ABCDE। भैया कोई पासवर्ड हुए? खाक के पासवर्ड नहीं हुए ये। मेरा एक दोस्त है, अपनी बात बता देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो खेलों के नाम के ऊपर पासवर्ड रख लेता है। उसने पासवर्ड पता क्या रखा था? एक अकाउंट पे लगाया हुआ उसने बेसबॉल, एक अकाउंट पे लगाया हुआ उसने फुटबॉल। एक दिन मेरे सामने अकाउंट बना रहा था किसी नई आईडी के ऊपर, मुझे कहता कि कौन सा पासवर्ड रखूं, कौन सा रखूं, क्या रखूं, ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने चुपके से बोल दिया क्रिकेट रख ले। पता कैसे चौंका मेरी तरफ देखकर? इस तरह से चौंका। क्यों? क्योंकि वो वही पासवर्ड रखने की सोच रहा था। अब उसका एक पैटर्न मुझे पता लग गया है कि ये स्पोर्ट्स के नाम के ऊपर रखता है, तो अब मुझे एक हिसाब से उसके सारे पासवर्ड पता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसका अकाउंट मैंने खोलना चाहा तो बारी बारी सारी स्पोर्ट्स के नाम उसके अकाउंट के ऊपर ट्राई कर लूँगा, कोई तो लगेगा ही, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह की गलती आपको फ्रेंड्स नहीं करनी। आपको कभी भी अपने नाम के ऊपर किसी डिक्शनरी वर्ड के ऊपर आपको कभी भी नाम नहीं रखना। और आप क्या करते हो, कई बार डिक्शनरी का वर्ड रख लेते हो, साथ में ABCDE कोई अपना फ़ोन नंबर, अपना कोई न्यूमेरिक करेक्टर रख लेते हो जिससे आपको लगता है पासवर्ड स्ट्रांग हो गया। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पासवर्ड स्ट्रांग कैसे करना है। अब आपके दिमाग में एक आशंका होगी कि भैया पासवर्ड तो स्ट्रांग रख लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अगली बार याद कैसे रहेगा हमने पासवर्ड क्या रखा है। इसका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा, अगर इस वीडियो को देखते रहें। और कुछ नहीं, भूमिका बन गई है, चलो करते हैं वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहां से डाउनलोड कर लें। और यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहां पे सिंबल्स पे टिक कर लेना है और यहां पे आपको यूनिक करेक्टर्स पे टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहां 3 डॉट्स पे जाना है और यहां पे एक ऑप्शन आ रही है ऑटो क्लिप बोर्ड क्लियरिंग, इसको आपको अनटिक कर देना है। और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपका इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे जनरेट पे बार बार क्लिक कर करके आप अपने हिसाब का पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। वैसे मुझे पता है पसंद तो आपको कोई भी पासवर्ड नहीं आएगा, देखने में इतने भयानक से पासवर्ड हैं। तो भैया जितने भयानक होंगे उतना आपका अकाउंट भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो, मन की तसल्ली है, आपको जो पसंद आया वो आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लें। और यहाँ पर अब आपके मन में आशंका होगी कि हम इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर गूगल नाम का कोई फोल्डर होगा, आप उसके अंदर आएँ और यहाँ पे आपको कीप नोट्स नाम की ऐप मिलेगी। ये गूगल की अपनी ऐप है। अगर आपको ये ऐप ना मिले तो आप इसको मैनुअली सर्च कर लें, कीप नोट्स नाम की ऐप है ना, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, माई पासवर्ड्स कुछ भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल, अगर आप फेसबुक का पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो आप ऐसे स्पेस डाल के यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको सेव कर लें और इस तरह से आप इस पासवर्ड को रख सकते हैं। इसको आप बैक कर लेंगे तो आपका ये पासवर्ड सेव रहेगा। आप जब मर्जी इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, और आगे दोबारा आप लॉगिन इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको व्हाट्सएप किसी फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आईडी हैक करवानी है तो आप किसी को भी सेंड कर दें, मुझे पता आप करोगे नहीं सेंड। और उसके बाद अगर आप इसको लैपटॉप से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको गूगल के ऊपर कीप नोट्स लॉगिन कर लेना और अपनी आईडी, जिस आईडी के अंदर आपने इसको लॉगिन किया है, उस आईडी के अंदर आपको लॉगिन करने के बाद ये एक्सेस हो जाएगा और आप लैपटॉप से भी इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह से आप अपने पासवर्ड को सिक्योर कर लें, क्योंकि आज कल के टाइम के अंदर पासवर्ड सिक्योर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। और इस तरह से आप पासवर्ड को सिक्योर कर लें और अपने सिक्योर पासवर्ड को कीप नोट्स नाम की ऐप के अंदर आप सेव कर लें और आप जब मर्जी उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और इन दोनों ऐप्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। जिस तरह से आप वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से आप इस वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
ताकि आप और वो अपने आईडीज को सिक्योर कर सकें। और मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।